इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जहां पर हर एक बच्चा एडमिशन लेने का सपना देखता है, बट इतना आसान नहीं है आईआईटी में जाना। उसका रीजन मैं आपको बताती हूं। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो चाहे ट्विटर के सीईओ हो, बेसिकली ये एक्स सीईओ हैं, प्रेजेंट टाइम पर तो सीईओ नहीं है, गूगल के सीईओ हो, शुगर कॉस्मेटिक के फाउंडर हो, जोमैटो के फाउंडर हो, चाहे आप शॉपक्लूज देख लो, ओला देख लो, housing.com देख लो, इवन इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं मिस्टर नारायण मूर्ति जी, ये सारे के सारे लोग आईआईटीएन हैं। इतना ही नहीं, अगर आप 113 यूनिकॉर्न कंपनीज देखते हो, मैं आपको बता दूं, यूनिकॉर्न कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो जाता है। सो 113 यूनिकॉर्न कंपनीज में से 90 ऐसी यूनिकॉर्न कंपनीज हैं जो आईआईटीएन चला रहे हैं, और ये 90 यूनिकॉर्न कंपनीज में भी अगर आप आईआईटीएंस को ऑब्जर्व करोगे तो मेजॉरिटी ऑफ आईआईटीएंस जो है वो आईआईटी दिल्ली के हैं, क्योंकि आईआईटी दिल्ली जो है वो यूनिकॉर्न माना जाता है स्टार्टअप्स के टर्म में। मेजॉरिटी ऑफ जो फाउंडर्स हैं वो ज्यादातर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको आईआईटी दिल्ली के ही देखने को मिलेंगे। इसी के आगे थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं कि भाई आईआईटी ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहा है कि बड़े बड़े जो सीईओज हैं या फिर हम फाउंडर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं सारे के सारे लोग आईआईटीएन हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बोलूंगी एनवायरमेंट, द बिगेस्ट रीजन, क्योंकि आईआईटी में जाना बेटा इतना आसान नहीं है। आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, दैट इज योर आईआईटी जेई, और आईआईटी जेई जो एग्जाम है ये वर्ल्ड टफेस्ट एग्जामिनेशन कहलाता है। जब आप इस एग्जामिनेशन को दे लेते हो तब आपको आईआईटी में जाने का मौका मिलता है, तो एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आ रही है कि आईआईटी में जो बैठा हुआ है वो इंडिया का बेस्ट ब्रेन बैठा हुआ है। और अब आप इसको इस तरीके से सोचने की कोशिश करो कि अगर आप वहां पर 100 लोगों के साथ बैठे हो और 100 के 100 लोग इंडिया के बेस्ट ब्रेन बैठे हुए हैं, तो आपको एनवायरनमेंट तो वन ऑफ द बेस्ट ही देखने को मिलने वाला है। ये इसका बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत ही ज्यादा यहां से जो स्टूडेंट निकलते हैं वो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी लाइफ में। दूसरा रीजन है क्वालिटी एजुकेशन, आईआईटी नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। यहां पर आपको वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन विद प्रैक्टिकल नॉलेज देखने को मिलता है, और इवन इंडिया की बेस्ट लैब्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो भी सारी आपको आईआईटीज में ही देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ स्टार्टअप्स के टर्म में हम देखें, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो टीम बिल्डिंग सपोर्ट हो, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो, हर तरीके का सपोर्ट आईआईटीज जो है वो अपने स्टूडेंट्स को करते हैं। इसी वजह से स्टार्टअप्स की दुनिया में अगर आप देखोगे तो आईआईटीज जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं और नाम रोशन कर रहे हैं। और बेस्ट पैकेजेस तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, ये तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया में नाम बना लिया है, मगर हम इनको भी अगर अवॉइड कर दें सो स्टिल जो आईआईटी के स्टूडेंट हैं जब वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको वन ऑफ द बेस्ट पैकेजेस मिलते हैं। बहुत सारी आईआईटीज तो ऐसी हैं कि मोर देन करोड़ पैकेजेस फ्रेशर्स को मिल रहे हैं। तो आप यहां से एक चीज समझ सकते हो कि इतनी सारी फैसिलिटीज हैं तो डेफिनेटली आईआईटी में जाना तो बिल्कुल भी आसान बात नहीं हो सकती। अगर हम ऑल ओवर इंडिया देखें तो हमारे पास टोटल 23 आईआईटीज हैं। अगर आप मैप पर ऑब्जर्व करोगे तो सारी आईआईटी की लोकेशंस आप इंडिया के मैप पर ऑब्जर्व कर सकते हो। सो दीज आर द 23 आईआईटीज इन इंडिया जिनको आप टारगेट कर सकते हो आफ्टर 12th के बाद आप एडमिशन आईआईटी में डेफिनेटली ले सकते हो। आगे बात करते हैं, अगर हम एनआईआरएफ रैंकिंग एक आती है 2023 रैंकिंग के बेसिस पर बात करें तो आउट ऑफ 23 आईआईटीज आपकी जो सबसे बेस्ट आईआईटी है दैट इज योर आईआईटी मद्रास, देन आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की एंड आईआईटी खड़गपुर। तो ये कुछ ऐसी टॉप आईआईटीज हैं जहां पर हर बच्चा जो है जाने का सपना देखता है, एडमिशन लेने का सपना देखता है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं कि अगर आपको भी आईआईटी में जाना है, आईआईटी में एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसेस है, क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो आईआईटी में जाने के लिए NTA एक बॉडी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एक एग्जाम कंडक्ट कराती है आईआईटी JEE के नाम से। ये जो एग्जाम है दो पार्ट में बेसिकली आपका होता है, पहले आपका JEE मेन का पेपर होता है और फिर उसके बाद JEE एडवांस्ड का पेपर होता है। जब आप मेन को क्लियर कर लेते हो तब आपको एडवांस देने का मौका मिलता है। JEE मेन की अगर हम बात करें तो लगभग 10 से 12 लाख स्टूडेंट हर साल JEE मेन का पेपर देते हैं और उनमें से मात्र 2.5 लाख स्टूडेंट ही JEE एडवांस का एग्जाम देते हैं। फिर इसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन होता है और आपको आईटी में जाने का मौका मिलता है। अदर जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में उसके बारे में भी बढ़िया तरीके से डिस्कशन करते हैं। हम अगर सिर्फ JEE मेन एग्जाम की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इस पूरे प्रोसेस से सिर्फ आईआईटीज ही कनेक्टेड है।
जेडब्ल्यू मेन का एग्जाम जब आप बहुत अच्छे मार्क्स से निकाल लेते हो और जेडब्ल्यू एडवांस का पेपर देते हो तो आप एलिजिबल हो गए जेडब्ल्यू एडवांस के लिए। बट इन केस सपोज कर लो आपका जेडब्ल्यू एडवांस में नहीं होता है, तब भी जेडब्ल्यू मेन के स्कोर के बेसिस पर आप 31 NITs को टारगेट कर सकते हो, IIESTs को टारगेट कर सकते हो, 26 IIITs को टारगेट कर सकते हो और 38 गवर्नमेंट फंडेड जो कॉलेजेस होते हैं उनको भी टारगेट कर सकते हो। इतनी सारी चीजें तो आपको सिर्फ जेडब्ल्यू मेन के एग्जाम से ही मिल जाती है। अब इसके बाद अगर हम जेडब्ल्यू एडवांस की बात करें, जब आप इसको क्लियर कर लेते हो तो 23 आपको IITs देखने को मिलती है, इंडिया का बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट IISc बेंगलोर देखने को मिलता है, IIPE वाइजैक में आप एडमिशन ले सकते हो, 5 ऐसे आईसर है जहां पर जेडब्ल्यू एडवांस के थ्रू आप बेसिकली एडमिशन ले सकते हो, देन IISc हो गया और इसी के साथ साथ RGIPT। इन सारे एग्जाम्स के बेसिकली सारे जो कॉलेजेस हैं इनको यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, देन आप आईसर का भी फुल फॉर्म देख सकते हो, RGIPT का भी और IISc का भी, ठीक है। ये जो डेटा मैं आपको शेयर कर रही हूँ जोसा काउंसलिंग की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको सारा डेटा देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम एग्जाम मंथ्स की बात करें कि भाई अगर हमको भी ये एग्जाम देना है तो किस मंथ में ये एग्जाम होता है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं बेसिकली, तो सबसे पहले JEE मेन का पेपर होता है और ये हर साल दो बार कंडक्ट कराया जाता है। पहला जो सेशन है वो जनवरी मंथ में होता है और जो दूसरा सेशन है वो आपका अप्रैल मंथ में होता है। इसी के साथ साथ अगर हम एज लिमिट की बात करें तो कोई एज लिमिट तो यहाँ पर नहीं है, परसेंटेज क्लास 12th में आपका मेंटेन होना चाहिए मिनिमम 75% या फिर जो भी रिस्पेक्टिव बोर्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें आपका नाम टॉप 20% में होना चाहिए। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें बोर्ड्स के टर्म में तो CBSE हो गया, ICSE हो गया, स्टेट और सेंट्रल बोर्ड जो आपके होते हैं ये सारे एलिजिबल होते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट देखेंगे तो 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स आप लगातार जे मेन का पेपर दे सकते हो, मतलब टोटल 6 नंबर ऑफ अटेम्प्ट को यहां पर देखने को मिलते हैं। 2 आप ईयर ऑफ पासिंग जो आपका 12th क्लास होगा उसमें दे सकते हो, उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर दे सकते हो और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर दे सकते हो। अगर हम जेई एडवांस की बात करें तो ये सिर्फ आप 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में ही दे सकते हो, तो यहां पर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर फॉर जेई मेन एंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर फॉर द जेई एडवांस्ड। आगे डिस्कशन करते हैं, अगर हम एग्जाम मोड की बात करें तो यहां पर आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देखने को मिलने वाला है। जो टोटल ड्यूरेशन होता है जेई मेन एग्जाम का वो 3 आवर होता है, जिसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आपसे MCQs पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये काफ़ी टफ एग्जामिनेशन है तो यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। जब आप सही क्वेश्चन करते हो तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, बट रॉन्ग क्वेश्चन में -1 भी आपका हो जाता है। टोटल मार्क्स अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 100 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पर फिजिक्स देखने को मिलेगी, केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, मैथमेटिक्स देखने को मिलेगी, 100 मार्क्स के 3 सेक्शंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 90 क्वेश्चन आपके पेपर में होते हैं, बट आउट ऑफ 90 क्वेश्चन आपको सिर्फ 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। आगे बात करते हैं, अगर हम जेई मेन के एग्जाम पैटर्न की बात करें यहाँ पर तो फिजिक्स में आपको 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपके MCQs होंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके MCQs होंगे, 10 क्वेश्चन आपके NET होंगे और 10 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही करने हैं, मतलब 20 MCQs क्वेश्चन कंपलसरी एंड 10 में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसी तरीके से केमिस्ट्री का भी सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा और मैथमेटिक्स का भी सेम पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अगर मैं JEE एडवांस्ड के एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो इसमें 2 पेपर बेसिकली आपके होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपसे पूछी जाती है, मगर यहां पर एग्जाम का जो प्रॉपर पैटर्न है वो फिक्स नहीं होता है। जैसे कि हम अगर लास्ट ईयर की बात करें तो आपके सिंगल करेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, मल्टीपल करेक्ट हो गया, NET हो गया, मैचिंग हो गया, तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जा सकता है, पैटर्न आपका फिक्स्ड नहीं है। तभी तो बोला जाता है वर्ल्ड टफेस्ट एग्जामिनेशन, क्योंकि इसकी तो बात ही अलग है। ये एग्जाम देने के बाद जब बच्चा बाहर निकलता है और IIT में पहुंचता है तो डेफिनेटली उसका जो नॉलेज लेवल होता है और उसका जो माइंडसेट होता है दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर हम IITs में बात करें 2024 के डेटा के बेसिस पर तो आपको IIT में 17,385 टोटल सीट्स देखने को मिलेंगी, NIT की अगर हम यहाँ पर डिस्कशन करें तो 23,954 देखने को मिलेगा, IIITs में अगर हम डिस्कशन करें तो 7,746 टोटल सीट्स आपको देखने को मिलेंगी और गवर्नमेंट
फंडेड में 8,067 टोटल सीट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जब आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो एक जोसा काउंसलिंग करके वेबसाइट है, वहां पर जाके आप रजिस्टर करते हो और आप डिफरेंट डिफरेंट IITs के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, चाहे वो IITs हो चाहे NITs हो, सबके लिए अप्लाई करते हो। अब यहाँ पर ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी IIT JEE के बारे में, IIT के बारे में। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये काफ़ी टफ एग्जामिनेशन है, तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन भी जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। और अगर हम इसको कंपेयर करें सो आपको अर्जुन बनना ही पड़ेगा। सो यू आर अ अर्जुन, आप जब अर्जुन के जैसी एक्यूरेसी अचीव कर ले जाओगे देन डेफिनेटली उस दिन आप ये एग्जाम भी क्लियर कर ले जाओगे। जैसे अर्जुन ने मछली की आँख पर निशाना लगाया था, तो आपको IIT पर निशाना लगाना है। और बेसिकली अगर आप अर्जुन को देखोगे तो अर्जुन के हाथ में एक धनुष था, मगर तीर तो उसको खुद ही चलाना था, तो आपको तीर चलाना सीखना है। NTA ने आपको धनुष तो बेसिकली दे ही दिया है, तो ये जो धनुष है ये NTA है। तीर चलाने की कला पहले आपको सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप मछली की आंख पर IIT पर टारगेट कर पाओगे। और ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि अर्जुन के साथ दो चीज़ें थी, एक उसका सपोर्ट सिस्टम, उसके लव्ड वंस, उसके पेरेंट्स, वो बहुत ज़रूरी है। उसके जो कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो उसको बहुत ज़्यादा मॉरली सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उनको भी आप अपने साथ रखिए। और डेफिनेटली गुरु का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट हो कॉमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।